आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज़ के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। गुरुवार को सांसद राजकुमार चाहर ने यमुना नदी के दूषित जल का मुद्दा लोकसभा में उठाया। उन्होंने यमुना के प्रदूषित होने का दोष दिल्ली सरकार पर मढ़ते हुए केजरीवाल सरकार को यमुना को प्रदूषित होने से बचाने के लिए निर्देशित करने की मांग सदन से की है। इस समय आगरा के दोनों सांसदों में आगरा की समस्याओं को सदन में उठाने की होड़ सी मची हुई है। गुरुवार को फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर ने लोकसभा में यमुना के प्रदूषित होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यमुना का प्रदूषित जल आगरा में किसानों को चर्म रोगी बना रहा है, वहीं फसलों से उत्पादित होने वाले अन्न को भी प्रदूषित कर रहा है। आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर, जो किसानों से जुड़ा हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, ओखला जो बैराज है उसमें यमुना नदी का पानी आता है और यमुना नदी का पानी इस समय इतना दूषित, इतना झागदार, बदबूदार, प्रदूषित हो गया है कि जब वो नहरों में जाता है, जिसमें मथुरा, हरियाणा और आगरा की नहरें जुड़ी हुई हैं, तो वो बहुत ही दूषित हो जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उस पानी के दूषित होने के कारण जब मेरे किसान साथी अपनी फसलों की सिंचाई करते हैं तो उनको विभिन्न प्रकार के चर्म रोग तक उनको हो जाते हैं, और वो जो दूषित पानी जब खेतों में सिंचाई में जाता है फसल में, तो फसलें भी निश्चित रूप से अन्न जो आता है तो वो भी खराब हो जाता है। सांसद राजकुमार चाहर ने यमुना में गंदगी के बहाने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने यमुना की गंदगी के लिए दिल्ली को जिम्मेदार ठहराया और सदन से दिल्ली सरकार को यमुना की सफाई कर उसे प्रदूषित होने से बचाने के लिए निर्देशित करने की मांग भी की कि दिल्ली की सरकार इस पर मूक दर्शक बनी बैठी है। दिल्ली की फैक्ट्रियों का पानी, गंदा पानी, दूषित पानी नहरों में जा रहा है। मेरी आपसे प्रार्थना है सरकार से कि इस दूषित पानी को समाप्त किया जाए, शुद्ध पेयजल दिया जाए। मुझे याद है जब हम स्कूल में जाते थे, पढ़ते थे, तो जब कभी गाय भैंस को चराने ले जाते थे तो इसी नहरों के पानी को हम पीने का काम भी किया करते थे। तो इस तरह का एक शुद्ध पानी नहरों में दिया जाए। और ये केजरीवाल से साहब जरा कह दो सरकार के माध्यम से कि पानी को जरा अच्छा जाने दे, हमारे यहाँ ये दूषित न करे, अपनी तरह जो दूषित हो रहा है इस तरह पानी को दूषित न करे। सांसद राजकुमार चाहर लोकसभा के इस सत्र में लगातार किसानों और फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में पेयजल की समस्या को दूर करने का मुद्दा उठाते रहे हैं। ऐसा पहली बार है कि लोकसभा के किसी सत्र में आगरा के दोनों सांसद शून्यकाल के दौरान हर दिन आगरा की समस्याओं पर सदन में बोले हों। विजय बघेल, सी न्यूज़, आगरा।